एवरीवन, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? हो बहुत अच्छे हो गए सभी का मेरे चैनल ओम साईराम सौम्या में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं वीडियो में एक सब्जी शेयर करूँगी, तो शाही पालक दम आलू की सब्जी जो मलाई डाल के बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसकी बेसिक इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। तो मैंने लिया है 3 मीडियम साइज के प्याज, 1 टमाटर, 2 हरी मिर्चें, इधर ले रही हूँ मैं 3 काजू, 3 हरी इलायची, 3 लौंग में और ज़ीरा, और थोड़ी सा धनिया काट रखा है मैंने। इसमें लिया है मैंने थोड़ा सा सौंफ और अदरक के 2 टुकड़े, लहसुन है, लहसुन इतना नहीं डलाएगा, मैंने छील रखा है बस। और 5 से 6 हैं आलू मैंने लिए हैं मीडियम साइज़ के, और ये लगभग आधा किलो पालक है। तो बहुत ही टेस्टी सा सब्जी इसका लगता है, एक बार बना के देखिएगा, बहुत ही यमी लगता है। स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो स्किप करने से फिर सब्जी ख़राब हो जाएगी। और मेरे बच्चे तो बहुत पसंद से खाते हैं, ऐसे पालक बिल्कुल नहीं खाते, छूते तक नहीं है, लेकिन इस तरह से सब्जी बनाते हैं हम लोग, मैं बनाती हूँ, तो बहुत ही पसंद से खाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई ले लिया है मैंने, इसमें डाल रही हूँ मैं सरसों का तेल, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल और बटर मिला के ले सकते हैं, मैं सरसों का तेल ही यूज़ कर रही हूँ। उसमें डाल देते हैं सारे मसाले, तो हरी इलायची है, लौंग है, सौंफ है, ज़ीरा है, और ये कुछ मसाले मैंने बताए थे वही मैं डाल रही हूँ। फटाक से डालेंगे, और फटाक से डालेंगे हम लोग प्याज, क्योंकि इसको जलने नहीं देना है गरम मसालों को, आप चाहें तो बाद में डालिए, लेकिन मैंने डाल दिया है। और इसे चला लेते हैं, और चलिए इसमें डालते हैं लहसुन। लहसुन आप देख रहे हैं कि मैंने 8 से 10 कलियाँ लहसुन के लिए है, और प्याज को मैंने मोटा मोटा काटा है क्योंकि मुझे इसे पीसना है। मैंने 3 काजू लिया है, 2 टुकड़े हैं अदरक के, आप देख सकते हैं, तो काजू आप बढ़ा सकते हैं। इधर मैंने पालक ब्लांच करने को रखा है, बस पानी को बॉईल किया है, उसमें पालक डाल दिया है, और उसमें मैं निकाल दूंगी और ठंडे पानी से धुल के उसे पीस दूंगी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। शुरू किया, शुरू कर ही दिया, आप देख रहे हैं साग बिल्कुल कलर इसका ख़राब नहीं हुआ है। तरफ जो प्याज वगैरह मैं भून रही थी, तो उसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मिर्च, सॉरी नमक, तो इससे होगा ना कुकिंग प्रोसेस अच्छी हो जाएगी, और ये थोड़ा सा लाल हो जाएगा अच्छे से। तो इसमें डाल दूंगी मैं टमाटर जो काट रखा है मैंने, और इसे भी टमाटर को गलने देंगे। उसके बाद इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च और थोड़ा सा चीनी, और उसे हम लोग पीस देंगे, लेकिन गरम गरम नहीं, गरम गरम पीसिएगा तो फिर वो होता है ना, ब्लास्ट कर जाता है, ब्लास्ट नहीं करता है, मिक्सी जो खुल कर फेंका जाएगा, तो गरम से जो भाप बनता है अंदर से, तो वो मिक्सी जो है ख़राब हो सकती है। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, और पानी डाल के थोड़ा सा ठंडा करके फिर पीस लूंगी मैं मसालों को। तो चलिए करते हैं, बनाते हैं। मैं जार ले ली हूँ, जार में निकाल लेती हूँ मैं मसालों को। तो मसाले जब तक ठंडे हो रहे हैं, मैंने उसी कढ़ाई में लिया है थोड़ा सा और तेल, कढ़ाई गर्म है इसलिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है। इसमें डाल लेती हूँ मैं थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हींग, और देखिए आलू जो है इसको मैं थोड़ा सा फोक से ना उसमें थोड़ा छेद छेद कर लूँगी, आप चाहें तो स्वेटर बुनने वाला होता है ना, या टूथपिक से आप छेद कर सकते हैं, इतना कि इसमें मसाले रस इसका जो मसालों का रस जो है, जूस जो है, इसमें चले जाए अच्छे से, और मेन इसका जो स्वाद उसी तरह से आता है। तो इस तरह से हम लोग आलू को उबाल के उसमें घोप लिए, और इसको अब इसमें हम फ्राई करेंगे। और थोड़ा सा तेल में हम लोग डाल देंगे कश्मीरी मिर्च भी, ताकि इसका कलर जो अच्छा है, और थोड़ा सा डालूंगी मैं कसूरी मेथी, कश्मीरी मिर्च और कसूरी मेथी, हींग डाल के इसे हम लोग चला लेंगे आलू के साथ। आलू को लाल करेंगे, अच्छा लाल करेंगे, नमक वगैरह मैं इसमें डाल रखा है, अच्छा लाल कर लेंगे आलू को, और उसके बाद तब निकालेंगे। तो देखिए कितना सुंदर कलर आ रहा है, कितना अच्छा कलर आ गया ना आलू का। तो ये है आलू लाल हो गया है, अभी देख लीजिए। तो मेन मेन चीज़ जो है वो इस सब्जी के लिए तैयार हो गया है, मसाले पीस लिया है मैंने, पालक भी पीस लिया है मैंने, और देख सकते हैं पालक का कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। तो ब्लांचिंग जो होता है वो सही होता है, तो कलर जो है पालक का नहीं ख़राब होता है। और ये है आलू भी उबाल के इसे भी फ्राई कर लिया है मैंने,
तो चलिए बनाते हैं पालक। इस तरह से मतलब बहुत ज़्यादा ओवर कुक कीजिएगा तो उसका तो सारा प्रोटीन वगैरह, जो प्रोटीन या जो भी रहता है इसमें अच्छी चीज़ें, वो तो ख़त्म हो जाएंगी ना, तो ब्लांचिंग सही होना चाहिए। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो आलू फ्राई करने के बाद मैंने इसमें फिर से तेल डाला, उसमें डाली हूँ हींग, तेज़पत्ता और हरी मिर्च। और चलिए इसमें डालते हैं मसाले जो हमने पीस रखे हैं। तो जो मसाले हमने टमाटर प्याज वाले सब काजू वगैरह पीसे थे वो इसमें डाल दे रहे हैं। मसाले पहले ही भी थोड़ा आधा पक चुके थे, इसमें मैं पानी भी घोल के डाल दूंगी। अजवाइन डाल दिया मैंने, तो साग जैसी चीज़ों में अजवाइन डाल दिया कीजिए, और मैं सब चीज़ में डालती हूँ। इसमें डाल रही हूँ मैं हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और नमक डाल दे रही हूँ मैं अपने हिसाब से, और कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए थोड़ा सा ज़्यादा करके मैं डाल रही हूँ, चीनी जो कलर्स का अच्छा होता है। ये मीट मसाला है, आप कोई भी गरम मसाला यूज़ कर सकते हैं, हालांकि हमने गरम मसाला इलायची वगैरह डाला है, तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसका जो मेन चीज़ है वो है कश्मीरी, सॉरी कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाल रखा है। ये है किचन किंग मसाला जो इसका स्वाद को और एनहेंस करता है, बढ़ा देता है। और ये है बिरयानी मसाला, एवरेस्ट का बिरयानी मसाला जो आता है, शाही बिरयानी मसाला, वो मैंने डाला है। ये सब डालने से इसका टेस्ट जो है ना बिल्कुल अलग सा आता है। और ये शाही बिरयानी मसाला भी पनीर की रेसिपी में मिला ली है, भी तो बहुत अच्छा लगता है। और इसमें मैं डाल दे रही हूँ कसूरी मेथी। देखिए इंग्रेडिएंट अगर मैं कुछ इधर उधर बोल दे रही हूँ तो आप देख सकते हैं इसमें सारा चीज़ मैंने डाला है। बाबू है, बच्चे जो है ना वॉइस ओवर के समय इधर उधर कर रहे हैं, तो मैं कुछ का कुछ बोल दे रही हूँगी। खैर चलिए इसे अच्छे से भून लेते हैं। मसाले अच्छे से भून गए, इसमें मैं डाल दे रही हूँ मलाई। एक कटोरी ताज़ी मलाई है, दूध वाली जो निकाली जाती है वो वाली मलाई है। आप चाहे तो फ्रेश क्रीम जो डब्बे वाली आती है वो ले सकते हैं, मैं घर का ही मलाई यूज़ करती हूँ। और इसमें से भी अभी तेल निकलेगा, तो ये देखिए इसका घी सारा जो है निकल गया है। और इसमें डाल देती हूँ मैं आलू जो मैंने फ्राई कर रखा है, और इसे भी धीमी आँच पर भूनने दूंगी। तो ये देखिए मसाले आपस में मतलब आलू के साथ कितने अच्छे से लिपट गया। आप ऐसे भी आलू निकाल के खाइए, इसमें पानी मिलाइए तो ये शाही दम आलू हो जाएंगे, लेकिन हम बना रहे हैं शाही पालक दम आलू। तो चलिए प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और मसालों को आलू के साथ अच्छे से भूनते हैं, दोनों में बढ़िया से भूज भाज के अच्छा टेस्ट लाते हैं। तो ये भुन गए हैं मसाले और आलू के साथ, अब डालते हैं पालक जो हमने इसमें डाले थे। पालक को बहुत देर नहीं पकाना है, पालक खुद भी उबली हुई है और ज़्यादा पकाने से इसका जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो ख़राब हो जाती है। इस समय मुझे इसका प्रोटीन जो न्यूट्रिशियस चीज़ें होती है वो ख़राब हो जाती है, तो मैंने इसमें इसे भी मैं एक बार थोड़ा सा चला लूँगी। उसके बाद पानी जो है वो घोल के थोड़ा सा डालूँगी मैं, वैसे अच्छा उबाल देंगे एक दो बार। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आया है, कितना अच्छा कलर है। तो चलिए इसे एक बार उबलने देते हैं। इसमें मलाई का टेस्ट, जो मलाई जो हम डालते हैं इसके कारण जो पालक का जो कड़वापन होता है वो नहीं रहता है, फिर कड़वापन उसका दूर हो जाता है और टेस्ट भी अच्छा आता है और प्रोटीन न्यूट्रिशियस भी हो जाता है। तो चलिए बनाते हैं खूब सुंदर सा टेस्टी सा पालक, शाही पालक आलू दम आलू शाही पालक दम आलू। देखिए जो बट 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 की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब ये हमारा जो सब्ज़ी है वो अब इससे ज़्यादा पतली नहीं करना है, ये सब्ज़ी हो चुकी है। इसमें मैंने अदरक का ये जो टुकड़े होते हैं लंबे लंबे काट के जूलियंस में काट के मैंने डाल दिया है, इससे स्वाद और अच्छा हो जाता है। इसमें मैं डाल दे रही हूँ धनिया पत्ता, आपको अच्छा लगता हो धनिया पत्ता डालिए, नहीं तो मत डालिए, तो ग्रीन ग्रीन कलर का ही है लेकिन हम लोग को अच्छा लगता है तो मैंने डाला है। और ये देखिए कितना टेस्टी सा, कितना सुंदर सा शाही पालक दम आलू मलाई वाली तैयार है, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप खा के देखिएगा, बना के देखिएगा, मुझे कमेंट में करके बताइएगा, आपके बच्चे भी खाएंगे, जो पालक नहीं खाते वो तो वो भी खा लेंगे, और बहुत ही टेस्टी लगता है। रोटी पूड़ी पराठा सादा चावल किसी चीज़ के साथ खाइए, ये बहुत ही फर्स्ट क्लास का लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। तो आप भी बना के देखिएगा
और बताइएगा मुझे कमेंट करके कि कैसा लगा वीडियो। ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम साई राम, साई राम, सबका भला करेंगे। सो डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय एंड टेक केयर, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, ओम साई राम। और मैंने अभी अपना लंच निकाल के रख लिया है और मैं एक छोटे से प्लेट में खाना लेके बैठ गई हूँ। एक रोटी, चावल और मूली, दाल आज मैंने नहीं लिया है। यम्मी लग मुझे रहा इस सब्जी है। के साथ दाल नहीं चाहिए होती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसे ही खाने में, बहुत ही टेस्टी लगता है। मुझे अभी जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे मन कर रहा है मैं एक खा लूँ, एक कौर निकाल के इसमें से, इतना टेस्टी लगता है। आप ऊपर से बटर डाल सकते हैं, बटर मेरे पास ख़त्म हो गया था, नहीं तो मैं ज़रूर डालती। बटर डाल सकते हैं, घी पसंद हो तो घी डाल सकते हैं, और दोनों अच्छा लगता है खाने में। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, ठंडी में मज़े से खाइए, साग का सीज़न है, और बनाइए, खाइए, खिलाइए, और बहुत सारा कॉम्प्लीमेंट बटोरिए, बहुत अच्छा लगता है। मैं बार बार बता रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छा सच में लगता है। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।